हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना व अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। ब्लॉग अब्रॉड चैनल पे आप सभी का स्वागत है और मैं आप सब से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, आइए लाइक चलते हैं एक शेयर ऐसी एंड शॉप में कमेंट बिलो। जहाँ गारंटी है कि और आपको एक हर बात, चीज़ 100% वेजिटेरियन ही मिलेगी। और उस शॉप का नाम है अलादिल स्टोर्स। चलिए चलते हैं, वीडियो में कहा रहा है हम आ गए हैं अपनी बिल्डिंग की पार्किंग में और अब जा रहे हैं अपनी कार की तरफ। 4-5 दिन हो गया हम कितना गंदा नहीं है वो धूप खुद से। अभी हम जा रहे हैं एक ऐसी शॉप में जहाँ हर चीज वेजिटेरियन मिलती है। या ना कई बार कोई नूडल्स लो, उसमें जब आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं तो लिखा होता है ट्रेसेस ऑफ फिश, ये सारी चीजें। तो जैसे कि हम प्योर वेजिटेरियन है तो हम ऐसी चीजें उसी शॉप से लेकर आते हैं जहाँ ये चीजें 100% वेजिटेरियन मिलती है गारंटी के साथ। तो आइए चलते हैं। मस्जिद भी हमारे घर के पास बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत एक मस्जिद है और सामने है अंसार मॉल। और ये जो आर्क जिसके ऊपर आप लाइट देख रहे हैं वो है ब्रिज, इस रोड से उस रोड की तरफ जाने के लिए। और बीच में है अल इत्तिहाद रोड, लाइक 5 या 6 लेन है वो रोड, तो काफी बड़ा ब्रिज है वो, वॉकिंग ब्रिज। चलते हैं ऑल वेजिटेरियन शॉप इन शारजा यू जाते ही मुझे सबसे पहले पानी पूरी दिखी। फिर ये एरिया बहुत अच्छा है, मुखवास, आपको तरह तरह की खटाई सौंफ वगैरह है। और गिट्स की काफ़ी अच्छी रेंज है इनके पास, गुलाब जामुन, काफ़ी सारी चीज़ें। तो आप जो भी चीज़ मिस करते हैं अलादिल स्टोर में आइए। अचार की वैरायटी देखिए, यू नेम द अचार एंड दे हैव इट, सुपर्ब। पर जो चीज़ ये पापड़ तलने वाले, ये सारे राइस पापड़ हैं इन फ्लेवर्स। ये आलू वाले पापड़ थे, नाचनी का भी पापड़ है यहाँ पर, और ये लिज्जत पापड़ की वैरायटीज़ थी। ये जूसेस और ये ना उपवास का सामान है, काफ़ी सारी थाली पीठ वगैरह जो बनते हैं वो, साबूदाना, राजगीर का आटा, मक्की का आटा, ज्वार का आटा, एवरीथिंग, यू जस्ट नेम इट एंड दे हैव इट। यहाँ पे एक ऑर्गेनिक स्टॉल भी है, ये सारी जो ग्रीन दिख रहा था वो ऑर्गेनिक था। और ये पूजा का सामान, कैन यू बिलीव इट, हर चीज़ है यहाँ पर, दिया, तेल, और इतनी वैरायटी है हर चीज़ की, आई एम जस्ट फैन ऑफ इट। कभी घर पे पूजा हो, अगरबत्ती लेनी हो या पूजा का कोई भी सामान हो, उनके पास मिल जाता है। पराठी सेक्शन, ये वराठी मसाला, वराठी मसाला, कोल्हापुरी मसाला, गोड़ा मसाला, ठेचा दे है, ये ठेचा है, मतलब आप इंडिया को मिस नहीं कर सकते। आप मतलब ऑब्वियसली हम मिस तो करते हैं इंडिया को, पर यहाँ चीज़ें मिल जाती हैं। अलादिल स्टोर में आइए, अलादिल ट्रेडिंग, और आपको मिल जाएगा मक्की का आटा, बेसन, मोटा बेसन, मोटा आटा जो हलवा बनाने के लिए हम लेते हैं, दाल बाटी बनाने के लिए जो आटा मोटा चाहिए होता है वो भी है। ये हम वापस आने लगे हैं अपने घर की तरफ। रात में ये सिटी बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत रोशनी, हमेशा हर चीज की खूबसूरती हर माहौल में होती है, पर जब लाइट्स जल जाती हैं तो और भी खूबसूरत लगने लगती है। अगर आप अलादिल स्टोर विजिट करना चाहते हैं तो गूगल लोकेशन इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
भी अगर रोड में आपका पेट्रोल खत्म हो गया, आप उनको कॉल कीजिए, वो लोग पेट्रोल फिल करेंगे गाड़ी में और सेम रेट जो आपको पेट्रोल पंप से मिलता है। तो बहुत अच्छी चीज है ये, काफी नाम है सब काफी। तो घर चलते हैं और मैं आपको घर जाकर दिखाती हूँ मैंने क्या लिया है। मकर संक्रांति की चीजें ही लिए, तो घर चलकर देखते हैं। आज हम गए थे मकर संक्रांति का कुछ सामान लेकर आने के लिए, तो हम पीनट्स लेकर आए हैं, रेवड़ी और तिल की चिक्की, और ये तो ऐसे ही आइटम है घर का, ग्रॉसरी का। और ये एक स्पेशल चीज है, ये मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ अलादिल में मिलती है। मैंने कुरकुरे और किसी भी ग्रॉसरी शॉप में कभी भी नहीं देखा, तो ये एक स्पेशल चीज है जो सिर्फ अलादिल में मिलती है एज पर माई नॉलेज। तो कभी भी आप लोगों का दिल करे कुरकुरे खाने का तो अलादिल जाकर आप बाय कर सकते श्योरिटी से। आज मैं आप लोगों के साथ कोई रेसिपी नहीं शेयर करने लगी हूँ, बल्कि एक हेल्थ टिप शेयर करने लगी हूँ, जो कि है वार्म वाटर विथ जीरा। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है अगर आपको ब्लोटिंग होती है, या आप जब हैवी खा लेते हैं तो आपको काफी देर तक हैवीनेस फील होती है, तो इसके लिए ये रेमेडी आप ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको इसके मेडिकल ग्राउंड्स पे कोई भी लाइक प्रूफ नहीं दे रही हूँ, पर क्योंकि मुझे कीड़ा है, हर चीज की रिसर्च करना और फिर अप्लाई करना खुद के लिए भी, तो मैंने ये अप्लाई किया और खुद पर टेस्ट किया और रियली बहुत अच्छा काम करता है ये। जीरा पानी बनाने के लिए हमें चाहिए एक ग्लास, बड़े ग्लास पानी और जीरा। फिर हम गैस में एक पॉट रख लेंगे, उसमें डाल देंगे पानी और फिर उसमें डालेंगे एक चम्मच जीरा। मैं जीरा की कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी नहीं है, आप जितना पानी रखें उसके अकॉर्डिंग जीरा डाल दें। बस अब इसको बॉईल होने देंगे, फिर फ्लास्क में ये पानी भरकर रख लेंगे। देखिए पानी बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है और जीरा का अर्क और कलर दोनों पानी में आ गए, तो अब हम इस पानी को फ्लास्क में डालकर रख लेंगे। जीरा हम अलग नहीं करेंगे, छानेंगे नहीं, इसको भी फ्लास्क में ही डाल के रख लेंगे ताकि जितना भी अर्क है उसमें आता जाएगा। और थोड़ा पानी मैं इस ग्लास में भी ले लेती हूँ। और एक और टिप है कि जब भी आप कांच के ग्लास में डायरेक्ट गर्म पानी या चाय छाने, तो एक स्टील का स्पून इसमें रख लीजिए ताकि वो ग्लास क्रैक ना हो। तो मैं ये पानी इसमें डाल लेती हूँ, एक्स्ट्रा है। आइए जीरा पानी पीते हैं, आइए साथ मिलकर जीरा पानी पीते हैं, हेल्दी और टेस्टी। मैं आशा करती हूं मेरा आज का वीडियो भी आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ, टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, मा सलामा।